Ladies and gentlemen, he is Mr. Saiful Rahman Khan Niazi, the founder and CEO of SR Group. Sir, can we please have you over here on stage? अस्सलाम वालेकुम। आने वाले तमाम मौजूद मेहमानों को और पाकिस्तान भर से आए हुए क्रिकेट शायकीन को मैं सलाम पेश करता हूं। आज इस पुरवकार तकरीब में मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत और बहुत फख्र महसूस कर रहा हूं कि मैं इस तकरीब का हिस्सा हूं। लेकिन मेरा दिल बहुत उदास है, बहुत गमगीन है। उसकी वजह यह है कि मकबूज़ा कश्मीर में बसने वाले हमारे भाई इस तकरीब का हिस्सा नहीं हैं। काश वो भी इस तकरीब में पार्टिसिपेट करते, वो भी आज यहाँ होते और हम दुनिया को दिखाते कि पाकिस्तान और मकबूज़ा कश्मीर एक हैं। हमारे दिल और धड़कने उनके साथ हैं। सबसे पहले तो मैं इंतज़ामिया को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, KPL की इंतज़ामिया, पाकिस्तान आर्मी को और जो भी फ्रेंचाइज ओनर हैं, मीडिया के लोग हैं, जो भी जिस तरीके से भी दामे दरमे सुखने इस पार्टिसिपेशन को कामयाब बना रहे हैं, उनको मैं सलूट पेश करता हूं, क्योंकि ये सब उन सब की मेहनत का नतीजा है। आरिफ मलिक ने जो ख्वाब देखा था 3 साल पहले, आज उसको पाए तकमील तक पहुंचाने में हज़ारों लोगों की कुर्बानियाँ हैं, दिन रात की मेहनत है। इसके अलावा मैं इंटरनेशनल प्लेयर साउथ अफ्रीका से आए हुए हर्ष गब्स को सलूट पेश करता हूँ कि उन्होंने इंडिया की गीदड़ भभकियों को नज़रअंदाज करते हुए यहाँ पे तशरीफ़ लाए। उनको हर तरह की इज्जत अफजाई की जाएगी और उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। और ये एक सबक है कि उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को एक एम्बेसडर के तौर पे यहाँ पे आए और उन्होंने साबित किया कि ये एक ऐसी जन्नत नज़ीर वादी है जहाँ पर पाकिस्तानी अपने आने वाले मौजूद मेहमानों की इज्जत और हिफाजत करना जानते हैं और उनको इज्जत और तकरीम देंगे। वो एक इंटरनेशनल एम्बेसडर बन के आए हैं और मेरी ख्वाहिश है कि अगले साल जब यहाँ पे टूर्नामेंट हो तो दुनिया भर के खिलाड़ी खुद फ्रेंचाइज ओनर से रिक्वेस्ट करें कि भाई हम आपकी फ्रेंचाइज में शामिल होना चाहते हैं, हम आपके साथ खेलना चाहते हैं और इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। जिस तरह KPL की इंतजामिया को सोशल मीडिया पर थ्रेट का सामना करना पड़ा, SR ग्रुप को भी ऐसी परेशानी साबित सामना करना पड़ा, मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर हमारी किरदार कशी की गई, हमारे खिलाफ़ वीडियोस बनाई गई, सारा कुछ किया गया और हमें धमकियां दी गई, ये होगा वो होगा। मैंने कहा कि आप जो कर सकते हैं करें, जो हमसे हो सकेगा आज़ाद कश्मीर की आज़ादी के लिए एक छोटा सा कतरा है। मैं दियारेगार में 30 साल रहा हूँ, मुझे पता है कि जो कश्मीरी वहाँ पर रहते हैं उनके लिए उनकी एफर्ट्स कितनी आज़ाद कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए। तो ये एक छोटी सी एफर्ट है, जहाँ कहीं पर भी आप बसते हों अपने इलाके में अपने दोस्तों को दिखाएं कि आज़ाद कश्मीर में कितना पुरअमन है और वहाँ पे किस तरीके से क्रिकेट खेली जा रही है और जो मकबूज़ा कश्मीर के लोग हैं उनको भी आज़ादी का हक दिया जाए। इसके अलावा मैं आपको और जितनी भी इंतज़ामिया उनको बताता चलूँ कि SRG हर तरह की खेलों के मैदानों में पाकिस्तान की, चाहे वो किसी सूबे में हो, उसको पार्टिसिपेट करने में सपोर्ट करता है। SRG का नारा है कि जब हमारे खेलों के मैदान आबाद होंगे तो हमारे अस्पताल वीरान होंगे। और इसी की कड़ी में हम मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ शहरों में पार्टिसिपेट करते हैं। मैं अपनी बात तो बहुत करना चाहता था लेकिन मुझे सख्ती से मना किया गया कि 2 मिनट से ज़्यादा बात नहीं करनी। इस वजह से मैं अपनी बात इस बात पे ख़त्म करता हूँ कि SRG KPL खेलो आज़ादी से, खेलो बहादुरी से, खेलो दिलो जान से। पाकिस्तान जिंदाबाद।